अरे तुम लोगों ने एक बच्ची को बदनाम कर दिया। सोनम गुप्ता बेवफा है। आज हमारे साथ खुद सोनम गुप्ता मौजूद है। बुलाओ और जल्दी बुलाओ, दुनिया सोनम का इंतजार कर रही है, समझ रहे हो? सच में धोखेबाज है। बोली थी वापस आएगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। आएगी, लौट कर आएगी। हमारे देश में हर चीज लौट कर आ जाती है। विनोद कामली, सौरभ गांगली, इलेक्शन करप्शन, देश में अकाल, सलमान खान के सर के बाल। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार भी लौट कर आ सकती है। फिर ये तो लड़की है। ए सोनम, जल्दी आ। सॉरी, मैं लेट हो गई। ऑटो वाले के पास 2,000 की छुट्टी नहीं थी। मतलब कमाल लग रही हो, समझ रही हो? कमाल। अब एक काम करो, सबको बताओ कि आखिर तुम बेवफा क्यों हो। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं ले जाता था। मैं जब भी कहती थी साथ चलो, तो बोलता था मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। हमेशा बिजी रहता था। एक दिन मैं बहुत रोई। मैंने उनसे कहा मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, तो गुस्से में आकर उन्होंने मुझे 500 और 1,000 के नोटों की कटिया दे दी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, डायमंड का नेकलेस लूंगी, लेकिन अचानक उन्होंने 500 और 1,000 के नोट ही बंद कर दिए। अरे देवा, इसका मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? आई मीन वाओ, फैंटास्टिक। मैं जानता था जी, इसके पीछे मोदी जी कहाँ थे। एक औरत के साथ अत्याचार हुआ है। दिल्ली की जनता न्याय मांग रही है, देश की जनता न्याय मांग रही है। मोदी जी जवाब दें। केजरीवाल, अगर तुमने बकवास की तो खींच के कंटाप मार दूंगा। मित्रों, भाई और बहन, मैंने आज तक ऐसे सोनम गुप्ता की शक्ल भी नहीं देखी। आप चाहें तो राजनाथ सिंह से पूछिए। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इस महिला का मोदी जी से किसी भी तरीके का संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी स्वच्छ पार्टी पर इस तरह के लांछन लगाना पूरी तरह से अशोभनीय है, और इसके लिए मैं प्रमाण साथ लाया हूं। ये लड़की झूठी है, मैं जानता हूं। मेरे को बोली, मेरे अंदर मोदी की आत्मा आती है, वो मेरे को प्यार करते हैं, ऐसा होता है क्या? बट वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी? अबे ओ, तू जाकर कहीं और कर अपना ये। साले, ठोक दूंगा। ए बाबा, चुप करो, मैं डील करता हूं। ए सोनम, सच सच बता, किसने कहा तुझे मोदी जी का नाम लेने के लिए? मैं प्यार करती हूँ उनसे, किसी ने नहीं कहा। बता दे, मैं वादा करता हूं मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, सच सच, बस नाम बता दे। मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकती। ए नाटू, तू टेंशन का इको लेता है, बाबा है ना। ए लड़की, शराफत में नाम बता दे वरना ठोक दूंगा। बताती हूँ, उनके उनके सर पे बाल कम थे और वो बोले वो पीएम बनना चाहते हैं। कौन हो सकता है इस बेवफा सोनम का बॉयफ्रेंड? यह जानने के लिए जब ये सचान के अगले वीडियो का इंतजार करिए। कविया, समझ लो, अब एक काम करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, कहे कि इससे सस्ता एंटरटेनमेंट तुमको और कहूं ना मिलेगा।